एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रवण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस परम पिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते, जिनका धर्म है, उनका नियम है, इस भावसागर से पार होना चाहते हैं उनको भावसागर से पार करवा देते हैं। अनादिकाल के मिथ्यात्व को तोड़ करके आत्मदृष्टि, सम्यक दृष्टि लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनको केवल ज्ञान दे देते। तुम्हारी प्यास, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी श्रद्धा पर निर्भर करता है। परमात्मा की तरफ से कुछ भी मना नहीं है, और तुम्हारी क्षमता है, तुम्हारी योग्यता है कि मनुष्य में असीम शक्ति है। देव तरसते हैं मानव जीवन प्राप्त करने के लिए। कौन से देव? जो सम्यक दृष्टि देव हैं वो तरसते हैं हमें मानव का जीवन मिले और हम साधना करें और अनादि के मिथ्यात्व को तोड़ें। परंतु मनुष्य देव बनना चाहते, कौन बनना चाहते? तुम बनना चाहते हो? वहाँ बहुत सुविधा है, देवियाँ हैं, नृत्य है, हीरे जवाहरात हैं, नाटक है, नृत्य है। कुछ कमाना नहीं, कुछ करना नहीं, कोई इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी टैक्स, कुछ नहीं। फिर तुम जाना क्यों नहीं चाहते? जाना चाहते। मिथ्या दृष्टि लोग देव लोग जाना चाहते, सम्यक दृष्टि लोग मनुष्य बनना चाहते। अंतर है ये मिथ्या दृष्टि का और सम्यक दृष्टि का। तुम्हारी दृष्टि क्या है? तुम चाहते क्या हो? अनंत बाहर भोग भोगे हैं तुमने और मैंने, भोगों से तृप्ति नहीं हुई। तुम इस जीवन में देखो, अभी युवाचार्य जी फरमा रहे थे कितने लोग रोग भरे पड़े हैं शरीर के अंदर। ये तुम्हारा कोई पुण्य है जो रोग दबे हैं? जब पुण्य क्षीण होता है और पाप कर्म का उदय होता है तो रोग प्रकट हो जाते हैं, रोग भीतर ही। और शरीर के रोग नहीं, जन्मों जन्म के कर्म लोग जो हमारे भीतर लगे हैं, इसको दूर करने के लिए मानव का जीवन, मानव की देह उत्तम अवसर है। उस प्रभु को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की अनंत मैत्री को, अनंत करुणा को, अनंत साधना को, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आज का हमारा विषय है जीवन में धर्म का महत्व।
आप सब धर्मवान हो, मैं स्वीकार कर लूं? बोलो, ठीक है ना? तो धर्मात्मा के लक्षण क्या है? गृहस्थ धर्म में आप श्रावक हैं, श्राविका हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करते हो, तो गृहस्थ धर्म में व्यवहार निभाते हुए अभी तक आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? भगवान ने दो प्रकार का धर्म बताया, व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म। निश्चय धर्म व्यवहार धर्म है आगार धर्म, और निश्चय धर्म है अनगार धर्म। अनगार जिसका कोई घर नहीं, आगार जिसका घर है, परिवार है, संपत्ति है, धन है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए, व्यवहार धर्म निभाते हुए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो सबके जीवन में परिवर्तन आया, मतलब ये आप एक कदम चले, दो कदम चले, महावीर की वाणी चल माने चलिए। आपने घर से ही सोचा कि मुझे प्रवचन में आना है, थाना के 250 लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि आज आकर के प्रवचन सुनना है, तो उनकी धर्म की यात्रा शुरू हो गई। धर्म जीवन में आया तो आपके जीवन में समृद्धि आएगी, आंतरिक समृद्धि और बाहर की समृद्धि। समृद्धि का अर्थ क्या है? मैंने कहा था मंगल का अर्थ क्या होता है? सुख, समृद्धि, सौभाग्य। समृद्धि है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ मिला हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ मिला है। कबीर समृद्ध थे, पुनिया श्रावक समृद्ध थे, संत तुकाराम समृद्ध थे। तुकाराम घर में रहते थे, पत्नी कहती कुछ काम तो करते नहीं, जाओ खेत में कुछ काम लाए। खेत में गए, मजदूरी की, उस खेत वाले ने गन्ने का एक भर के कठरा दे दिया, सिर पर रख के आए बेचारे। किसी बच्चे ने कहा गन्ना मुझे दे दे, गन्ना एक एक गन्ना करके सब गन्ने दे दिए। एक गन्ना बच गया, घर में आए पत्नी को तो कहने लगे बस यही कमाई करके आए हो, एक गन्ना करके लाए हो। उसको गुस्सा आया, उसने उसके ऊपर चला के मारा, गन्ने के दो टुकड़े हो गए। तो कराम कहें कि भगवान तुमने अच्छा कर दिया, एक तू चूस ले, एक मैं चूस लेता हूँ। क्या दृष्टि थी! ऐसे भी संत थे, महाराष्ट्र के संत, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत ज्ञानदेव। कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ मिला हुआ है, वो व्यक्ति धार्मिक होता है। अंतर की समृद्धि धर्म से आती है और बाहर की समृद्धि पुण्य से आती है। मंगल, जो आपका मंगल करे, जो आपको सुख, समृद्धि, सौभाग्य से भर दे। समृद्धि अंतर से आती, जब धर्म आ जाता है तो कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ मिला है, ये धन, ये पद, ये प्रतिष्ठा। महात्मा गांधी समृद्ध थे, एक लंगोटी और लाठी के सहारे इस देश को आज़ाद करा दिया। चाहते थे, वो पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, और श्रीमद रायचंद के संपर्क में आकर के उनका जीवन रूपांतरण हो गया, उनको गुरु मान लिया। नहीं तो गांधी गांधी ना रहते, कुछ और ही हो जाते। श्रीमद रायचंद ने बदला उनको और पूरा जीवन बदल दिया। गांधी हरिद्वार में जा रहे थे, खादी की प्रदर्शनी लगी थी, एक वृद्धा उनके पास में आई, सब लोग गांधी को कुछ देने लगे। बापू कितने रुपए आपको चाहिए? गांधी कहने लगे मुझे नोट नहीं चाहिए। अच्छा, आपको सोना चाहिए? सारे आभूषण उतार के दे दिए। बापू आप तो खुश हो? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। पैर के आभूषण पहने थे, वो भी उतार के दे दिए। पूछा गांधी जी तुम खुश हो? अभी भी मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ? गांधी जी ने कहा बुढ़िया माँ, तुम प्रतिज्ञा कर लो कि मैंने अपने जीवन में कोई भी गहना पहनना नहीं, इसका त्याग कर दो। उसने, बहन ने त्याग कर दिया। गांधी जी कहती अब मैं खुश हूँ।
दान देना, धन देना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है उस चीज़ का त्याग कर देना। आप संतों को क्यों नमन करते हो? आप अपने बेटे का आदर नहीं करते, अपनी पत्नी का आदर नहीं करते, संतों का आदर करते हो? करते हो कि नहीं करते? पता नहीं करते कि नहीं करते, मैं पूछ रहा हूँ। करते हैं, पक्की बात है। क्यों करते हो? त्याग के कारण, त्याग के कारण। संतों के आगे राजा महाराज भी झुक जाते हैं, अरिहंत परमात्मा के आगे चक्रवर्ती भी झुक जाते हैं, इंद्र भी झुक जाते हैं। 64 प्रकार के इंद्र अरिहंत परमात्मा के अंदर झुकते हैं। अरिहंत परमात्मा से समृद्ध कोई हो ही नहीं सकता। अरिहंत परमात्मा प्रतिपल प्रतिक्षण धर्म में रहते हैं, वो समृद्ध हैं। जब व्यक्ति धर्म में नहीं होता, उस समय समझना मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। जब तक तुम कर्ता भाव में आओगे, तुम धर्म में हो ही नहीं। धर्मात्मा होने की पहली निशानी है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, कर्ता भाव में आए, तुम धर्म में नहीं हो, तुम अहंकार में हो। कर्ता भाव में आना कि मैंने किया, तुम अपनी प्रशंसा कर रही हो कि मैंने इतना दान दे दिया, मैंने धर्मशाला बना दी, मैंने स्कूल बना दिया, मैंने ये स्थानक बना दिया। तुम जब तुम्हारे मन में ये भावना है, कर्तापन है, पुण्य कमा लिया तुमने, पर धर्म नहीं हुआ, निर्जरा नहीं हुई। क्यों? गीता ने क्या कहा कृष्ण ने? तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? 1.5 किलो का शरीर लेके आए थे और यही चला जाएगा। तुम लेके क्या आए थे और लेके क्या जाओगे? किस बात का इनकार करते हो कि मैंने इतना दान दे दिया? क्या साथ लेके आए थे, क्या साथ लेके जाओगे? बोलो, लेके जाओगे? तुम्हारा पुण्य था, तुमको मिल गया और तुमने बांट दिया, और कहो कि मेरा सौभाग्य था कि मुझे अवसर मिला देने का। इसमें कर्मों की नजर आए, फर्क समझो। एक कर्ता भाव मैंने दिया, एक मेरा सौभाग्य था कि मुझे अवसर मिला। मेरा सौभाग्य था, मेरा सौभाग्य है कि तुम लोगों ने अवसर दिया मुझे यहाँ बोलने का, मुझे यहाँ प्रवचन करने का, मुझे शिविर लेने का। मेरा सौभाग्य था, कितने मुनिराज, युवाचार्य जी, प्रवर्तक श्री जी, सभी संत मेरे साथ आए, मेरा सौभाग्य बढ़ गया। या मैं कहूँ मैं आचार्य, इस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ और सब मेरे नीचे बैठे हैं, बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे? धर्म सौभाग्य समृद्धि, सुख समृद्धि और सौभाग्य देता है धर्म। और कुछ करना ही नहीं पड़ता, मैं कुछ भी नहीं करता, होता है। शिविर लगे, मैंने कुछ भी नहीं किया, जाके कुर्सी पे बैठ गया, बस जो बोलना था अपने आप बोल गए। श्री मुनि जी ने शिविर लिया, युवाचार्य जी ने भी शिविर लिया, शुभ मुनि ने प्रार्थना कराई, मुनि आज आ गए। इसमें मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, हुआ। धर्म बीइंग में, धर्म डूइंग में नहीं है। कभी अहंकार मत करो, मैंने 5 समय की, मैंने 2.5 की, मैंने किया नहीं, हुआ। धर्म आंतरिक समृद्धि देता है। और जब से सच कहता हूँ, हमारे पहले का जीवन, आपका जीवन, जब हम युवाचार्य बने, हमें कहते हैं आपके पास 2 संत हैं, आप 5 संत करो। श्री मुनि कहते कि फैक्ट्री तो लगी नहीं भाई, हम 3 संत कहाँ से लेके आएंगे? महामंत्री का समाचार आया, आप युवाचार्य बन गए, 5 संत लाओ, क्योंकि हम क्या करें भाई, हमें पास 2 ही संत हैं। और 2 संत, हम 11 संतों का काम करते थे, मैं और श्री मुनि दोनों थे। शिविर भी लेते, प्रवचन भी करते, आहार पानी भी लाते, सब करते थे। और अकेला श्री मुनि एक ही बलाई, कहते ना 1 लाख से 1.25 लाख लड़ा हूँ। पंजाबी में कहावत है, 1 से 1.25 लाख लड़ा हूँ। संख्या से कुछ नहीं होता। हम भी सोचते थे 2 ही संत हैं, क्या करें। जब से धर्म में प्रवेश किया, धर्म आया, अपने आप होता है, हम कुछ करने वाले नहीं।
ये विश्वास करो, ये स्वीकार करो। ना तुम करने वाले, ना तुम कराने वाले, तुम्हारा पुण्य है अनंत, वो पुण्य ही करवा देता है। क्या मोदी सारा काम मोदी कर रहा है? मैं पाप से पूछता हूं, पीछे लोग कितनी टीम है, मिलिट्री है, कितनी सेना है, कैसे एक सारा कार्यक्रम हुआ? मोदी तो निमित्त है, सेना लड़ती है, राजा का नाम होता है, काम ये सब संत करते हैं, तुम लोग करते हैं, नाम मेरा होता है, मैं कुछ भी नहीं करता, मुझे कुर्सी मिल गई सबसे बढ़िया। आपका पुण्य करता है प्रभु। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान को देखो, आने वाले 24 के 7वें 8वें तीर्थंकर तक विराजमान रहेंगे, 500 धनुष की काया है, करोड़ों देव हैं उनके चरणों में, इंद्र झुकते हैं, चक्रवर्ती झुकते हैं, राजा महाराजा झुकते हैं, साधु साध्वी केवल ज्ञानी उनके पास में हैं, कभी रत्ती भर भी अहंकार नहीं करते कि मैंने धर्म दिया। देखो अरिहंत परमात्मा, भगवान महावीर ने 30 वर्ष तक साधना दी और लाखों लोगों को केवल ज्ञान तक, कभी महावीर ने, कभी शास्त्र में आया महावीर ने कहा कि मैंने इतने लाखों लोगों को केवल ज्ञान दे दिया, फिर तुम काय का इंकार करते हो, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। थोथा पंडित थोथी बानी, थोथी हरि बिनु सभी कहानी, थोथा पंडित थोथी बानी, थोथी हरि बिनु सभी कहानी। हरि नहीं है, परमात्मा ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है शरीर में, तो क्या मूल्य है शरीर का? धर्म आंतरिक समृद्धि देता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। धर्म निष्काम प्रेम, वात्सल्य, अनंत शांति, ज्ञान, करुणा, मैत्री प्रदान करता है, सहज में होता है। जितना व्यक्ति धर्मवान होगा, आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज को आपने देखा, क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे आचार्य जी, मैं देखा आचार्य जी क्या करते थे, मंगल पाठ सुनाते थे, हाथ ऐसे कर देते थे, केवल मुस्कुरा देते थे, कोई लंबा चौड़ा भाषण भी नहीं देते थे, 15 मिनट 20 मिनट बोलते थे और मधुर बोलते थे, मीठा बोलते थे। संग में ऐसे समय आता था प्रभु शांति से सब निपटा देते थे। जितना बड़ा महापुरुष होता है वो शांत रह के अपने आप हो जाता है। तो कभी आचार्य जी ने, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने पूना का सम्मेलन करवा दिया, आचार्य जी ने कभी नहीं कहा। मैं गोयनका जी के शिविर में गया, बड़ा शोर मचा, मैं युवाचार्य बन गया, लोग बस लेके मेरे पास आ गए, युवाचार्य जी क्या कर रहे हैं, ध्यान करवा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? मैं उनको बोला, भाई मैं ध्यान कर रहा हूँ, डांस तो नहीं कर रहा ना, मैं डांस तो नहीं कर रहा, ध्यान ही कर रहा हूँ। मेरे पास आ गए, लोग कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, तुम मैं महीना बैठा युवाचार्य बनने के बाद ध्यान शिविर में गोयनका के, तो मैं गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव ने मुझे इतना कहा, शिव मुनि मैंने कभी ध्यान के लिए आपको मना तो नहीं किया ना, देखो क्या भाषा थी, क्या प्रेम था, क्या वात्सल्य था, क्या करुणा थी, मुख से मिश्री बहती थी, शिव मुनि मैंने कभी ध्यान के लिए मना तो नहीं किया ना। लोग कितना कर रहे थे, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। जब धर्म जीवन में आ जाता है, जब वृक्ष फल फूल से भर जाता है तो झुक जाता है, झुकता है व्यक्ति, धर्मात्मा होने का यही लक्षण है। तुम कर्ता भाव छोड़ो, कर्ता भाव पुण्य देता है, और दृष्टा भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, तुम जितने आओगे उतनी समृद्धि आती है। धर्म निष्काम प्रेम, वात्सल्य, आनंद शांति, ज्ञान, करुणा, मैत्री प्रदान करता है। धर्म वह है जो अंतर की चेतना को जगा दे, धर्म वह है जो अंतर की चेतना को जगा दे, धर्म वह है जो बिछड़े को गले से मिला दे। दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मिल जाए तो धर्म आत्मा है। धर्म वह है जो बिछड़े को गले से मिला दे। धर्म की सीधी सी पहचान इतनी सी है, धर्म की सीधी सी पहचान इतनी सी है कि वो शैतान को इंसान बना दे, इंसान को भगवान बना दे।
धर्म की सीधी सी पहचान इतनी सी है कि वो शैतान को इंसान बना दे, इंसान को भगवान बना दे। धर्म एक व्यक्ति त्याग प्रधान होता है। भरत चक्रवर्ती शेखंड के राजा, आपने सुनी होगी प्रसंग, एक ही समय में तीन सूचना आई कि पुत्र रतन पैदा हो गया, चक्र रतन, 14 रत्नों में चक्र रतन पैदा हो गया, और समाचार आया कि भगवान ऋषभदेव पधारे हैं नगरी के अंदर। एक ही समय में तीन सूचना आई, तो भरत चक्रवर्ती ने किसको महत्व दिया कि पुत्र तो बाद में जाके देख लेंगे, चक्र रत्न की पूजा बाद में कर लें, भगवान पधारे हैं, मैं भगवान के दर्शन करने ना जाऊं। सबको आदेश दिया, जाओ तैयार करो सभी को, सेना को, भगवान के दर्शन करने जाना। भरत चक्रवर्ती छेखन का राजा, शीश महल में केवल ज्ञान हो गया। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब को देखते ही व्यक्ति पानी पानी हो जाता था, कुछ नहीं बोलते थे, वो मौन रहते थे। मैं देखता था मंगल पाठ, कोई आगे ह्रींग श्रींग क्लींग कुछ नहीं लगाते थे। तुम ध्यान अपने लिए करो ना, क्यों अपना ध्यान बेचते हो लोगों के लिए? क्या ध्यान अपने लिए करो, ध्यान करके फिर मंगल पाठ सुनाएंगे, फिर मंगल पाठ के ऊपर स्तोत्र बोलेंगे, फिर महामंगलिक होगी, फिर लोगों को बुलाएंगे, फिर बुलाने के बाद ये प्रभावना होगी। धर्म प्रदर्शन नहीं चाहता, यहां प्रदर्शन है वो धर्म नहीं है। आचार्य भगवान आनंद ऋषि को मैंने देखा है मंगल पाठ सुना, युवाचार्य जी पास में रहते थे, पहले स्वाध्याय होता था, लोग इकट्ठे हो जाते थे, बस केवल सीधा मंगल पाठ सुना करके लोग गदगद हो जाते थे। ये चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण के और है क्या रह गया? तुम्हारा ह्रींग श्रींग क्लींग क्या करेगा? देखो किसी को बुरा लग सकता है मेरी बात, मैं पहले क्षमा मांग लेता हूं, पर मुझे ये पसंद नहीं है ये सब। धर्म मंगल करता है, धर्म कल्याण करता है। तो चक्रवर्ती भगवान, भरत चक्रवर्ती ने भगवान के दर्शन करने के लिए सीखो, यहां कहीं चतुर्मास हो, जहां कोई संत हो उनके पास जाओ, स्वाध्याय करो, ज्ञान ध्यान सीखो, अपने जीवन का रूपांतरण करो। धार्मिक व्यक्ति देना सिखाता है, गिविंगनेस देता है वो, जैसे वृक्ष फल फूल से भरा है वो देता है, नदियां पानी पिलाती है, सूरज रोशनी देता है, चंद्रमा चांदनी देता है। धार्मिक व्यक्ति का लक्षण यही है, गिविंगनेस, देता ही देता है, ले लो वो लिया जाता है। घनश्याम दास बिरला का पोता था, उनके पास लाया गया कि आशीर्वाद दो, तुम्हारा पोते का जन्मदिन है। दादा घनश्याम दास ने कहा कि भाई मेरे पास लाए हो, इसको देना सिखाया कुछ, दान देना सिखाया कि नहीं, फिर मेरे पास लेके आना, जन्मदिन बाद में मनाया जाएगा। बच्चे को देना सिखाओ। तुम जब जन्मदिन मनाते हो तो केक काटते हो, होटल में जाते हो, ये जन्मदिन नहीं होता। जब किसी का घर में जन्मदिन हो तो उसको देना सिखाओ। छोटा बच्चा चाहे 1 साल का बच्चा है, उसको ले जाओ गौशाला में, ले जाओ अनाथ आश्रम में, ले जाओ मिठाई बांटो, मिठाई, बच्चा कितना खुश होता है। ये आज की प्रथा चली गई, केक काटो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक काट दे उस गरीबों को जिन्हें कभी मिठाई खाए नहीं, उनको मिठाई खिलाओ। मूक प्राणियों की सेवा करो, गाय को गुड़ खिलाओ, कबूतरों को दाना दे दो। जब मैं घर में था, ननिहाल में मेरा जन्म हुआ था, मेरे नाना जी जब सुबह सुबह लोग बाहर जाते थे बाहरली भूमिका के लिए, उस समय तो फ्लश वगैरह होते नहीं थे, तो मैं नाना जी के साथ चला जाता था, छोटा सा था, कोई 2-3 साल की उम्र होगी मेरी। नाना जी बाहर जाते, 4 साल मैं भी बाहर चला जाता, तो बड़े आदमी के नाना जी सुबह बाहर जाते शौच के लिए तो एक लोटा भर करके दाने चावल गेहूं जो भी ज्वार भर के लेके जाते, वहाँ पहले कबूतरों को दाना डालते, फिर वो बाहर जाते। मैंने भी
उनको अनुसरण किया, मैंने भी दाना शुरू कर दिया डालना, मैं बच्चा था मुझे क्या पता था। तब से अभी मेरे मन में है कबूतरों को दाना जरूर डालना चाहिए। बचपन के संस्कार बहुत काम आते हैं, बच्चों को देना सिखाओ, कबूतरों गाना दो, गाय को खिलाओ, मूक प्राणियों को दो, जितना तुम दोगे बढ़ेगा, कम नहीं होता। कबूतर और गाय देना चाहिए, कबूतर और गाय को तो तुम दो, जो नहीं देना चाहते अलग बात है, जहाँ भी आपको मौका चले। और कई जगह तो हमने देखा, बहुत जगह उदयपुर गए, जगह बनी है और खूब लोग दाना डालते हैं, खूब डालते हैं। तो कबूतरों को, कबूतर शाकाहारी प्राणी है, कबूतर इतना भोला पानी है, बिल्ली आई तो आंखें बंद कर लेगा कि बिल्ली चली जाएगी, बिल्ली पकड़ के उसको, ऐसा भोला प्राणी है कबूतर। शाकाहारी है, रात को भोजन नहीं करता, दाना नहीं खाता, तुम तो खा लेते हो रात को, कबूतर नहीं खाता। गाय दूध देती है, अमृत जैसा दूध देती है, सब कुछ मिलता है, और गाय को अपनी घास नहीं मिलता गाय को। भारत, और हमारे भारत की मैंने बताया 10 श्रावक थे महावीर के, 40,000 गाय अनंत श्रावक के पास, कामदेव को 60,000, 80,000 गाय, ब्रज थे 10-10,000 गाय के, कितना समृद्ध था भारत और कितनी गाय थी, दूध दी बहता था, भारत समृद्ध था। आज देश की पॉलिसी बदल गई, गाय को कट करके मांस बेच बेच के धन कमाया जाता है, इसलिए बीमारी, इसलिए बाढ़ क्यों आ रही है, ये क्यों बाढ़ आई है, हमारा अपना किया हुआ कर्म है, ये भूचाल क्यों आते हैं, बाढ़ क्यों आती है, प्रकृति का संतुलन खो दिया। जो लोग मांस खाते हैं या पशु कटते हैं उनकी आहत लगती है ना भाई, जो मुर्गी खाते हैं या अंडा खाते हैं, कितना मुर्गी पालन बढ़ गया, अंडे का बढ़ गया, वो शाकाहारी बन गए, तो तुम्हारे ऊपर विपत्ति आने वाली है, प्रकृति संतुलन करती है। जो सिर काटे आपका अपना रहे कटाए, धीरे धीरे नान का बदला कहीं न जाए। नानक पहले गुरु, जो सिर काटे और का अपना रहे कटाए, धीरे धीरे नान का बदला कहीं ना जाए। आज बकरीद है, हजारों लाखों बकरे कट रहे हैं, धर्म के नाम पर कट रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, धर्म के नाम पर कट रहे हैं बकरों की। और ये भी मैंने आपको कहानी सुनाई थी, आज को बकरा कहा गया, तब से प्रथा चल गई, आज का अर्थ जौ भी होता है। तो ये पंचम काल है, तुम जितना बचा सकते हो बच्चों, तुम सेवा करो, धर्म की भावना रखो। तो गुरु नानक देव के पिता ने 20 रुपए दिए थे, भूखे साधुओं को भोजन करवाया था। देखो जहाँ गुरुद्वारा मिलेगा आपको लंगर मिलेगा, कहीं भोजन कर लो, 20 रुपए नानक ने भोजन करवाया था, किसी गुरुद्वारे में तुम चले जाओ तुम्हें भोजन फ्री मिलेगा, लंगर कहते हैं। इसलिए भूखे को भोजन, प्यासे को प्यानी। अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में, जहाँ कहीं जाओगे वहाँ सुख पाओगे, जहाँ कहीं जाओगे वहाँ सुख पाओगे, भूखा प्यासा द्वार पे आकर कर पुकार वे, भूखा प्यासा द्वार पे आकर कर पुकार वे, उन्हें खिलाओगे वहाँ सुख पाओगे, उन्हें खिलाओगे वहाँ सुख पाओगे, थके हुए को स्थान दे, शैया का सम्मान दे, थके हुए को स्थान दे, शैया का सम्मान दे, वस्त्र पहनाओगे वहाँ सुख पाओगे, वस्त्र पहनाओगे
मूल वचन महावीर के, सागर वर गंभीर के, मूल वचन महावीर के, सागर वर गंभीर के, पाल हर्षाओगे वहां सुख पाओगे, पाल हर्षाओगे वहां सुख पाओगे। तो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, थके हुए कोई सहारा, नौ प्रकार का जो पुण्य है आप सभी कर सकते हो। भोजन करते हो, किसी भूखे को भोजन दे सकते हो, पानी दे सकते हो, स्थान दे सकते हो, वस्त्र दे सकते हो। तो वाणी, इतने वस्त्र पड़े हैं घर में, सबकी अलमारी में 20-20-10 तो जरूर होंगे, ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता। इस पृथ्वी पर तीन रतन है आला उम्दा ते अनमोल, इस पृथ्वी पर तीन रतन है आला उम्दा ते अनमोल, पहला पानी अन्न, दूसरा तीजा मधुर प्यारे बोल, पहला पानी अन्न, दूसरा तीजा मधुर प्यारे वो। लेकिन मूर्ख पुरुष जगत विच रतन जिनानु कहंदे ने, लेकिन मूर्ख पुरुष जगत विच रतन जिनानु कहंदे ने, ओ पत्थर दे टुकड़े दर उदर रुल रहंदे ने। समझ गए, सिंपल पंजाबी, सिंपल। इस पृथ्वी पर तीन रतन आला उम्दा ते अनमोल, तीन रतन सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, आला है, उम्दा है। पहला पानी, किसी को पानी पिला देना। दूसरा अन्न, किसी को भोजन देना। तीसरा मीठे वचन। मीठे वचन में क्या लगता है, आओ सा, भाई सा, खाओ सा, एक जोधपुर की भाषा, आओ सा, भाई सा, खाओ सा, पियो सा, जीमो सा, सा जरूर लगाएंगे साथ में, जीमो सा। भोजन और भजन इकट्ठे करना, मैं एक बार जरूर कहता हूँ, यदि आप धर्मात्मा हैं तो घर में, परिवार में, माता पिता जितने भी, पहले संयुक्त परिवार होते थे, 25-25 लोग घर में, हमारे घर में 25 लोग थे, और दादी माँ खाना बनाती, माँ बनाती, वो रेड़का रेड़कती, दूध दूध बनाती, चक्की पीसती, चक्की चक्की पीस के खाना बनाती, मक्खन बनाती, सबको इतना इतना मक्खन देती थी, इतना इतना मक्खन, हम तृप्त हो जाते थे। दादी माँ देती थी, 90 साल की दादी माँ थी, देखो बुजुर्गों का कितना, हमारी माँ चक्की पीस के खाना बनाती। आजकल चक्की पीसते हो, तभी तो बीमार होते हो। तो एक ही घर में, एक ही स्थान पर, कोई डाइनिंग टेबल कुछ नहीं, माँ ने खाना बनाया, दादी ने बनाया, मैं बैठा, भाई आ गया, वो आ गया, एक ही थाली में खाना खा लिया। जहाँ प्रेम होता वहाँ झूठ सूझ नहीं होती, ये झूठा, ये सूचा, ये कुछ नहीं होता। ये अंग्रेजों की बातें छोड़ो, प्रेम प्रेम होता है, प्रेम की बात। तो इकट्ठे भोजन करो, मेरा आप मुझसे निवेदन है, घर में जाओ इतवार के दिन तो इकट्ठे भोजन करो, सबको इकट्ठे बुलाओ, बैठो और ध्यान समायिक इकट्ठे करो, ऊर्जा बढ़ेगी तुम्हारी, बहुत ऊर्जा बढ़ जाएगी। जिन्होंने ध्यान शिविर सीखा है, चाहे पति पत्नी है, चाहे भाई बहन है, या वो है, इकट्ठा एक कमरा बनाओ, या कमरा नहीं एक पार्ट कर लो, इकट्ठे बैठ करके वहाँ क्या करना, ध्यान करना, समाई करना, इकट्ठे बैठ के स्वाध्याय कराओ, ध्यान करो, भोजन इकट्ठे बैठ के करो, और बच्चे को जैसे भोजन करवाओगे बच्चा वैसा बनेगा। छोटे बच्चे को देना सिखाओ। मैं अमेरिका गया, मैं अमेरिका की बात करता हूँ, अमेरिका गया तो जिस घर में गया, उस घर में एक डाइनिंग टेबल होता है, फादर है, उनके तीन बेटे थे, मैं था, और सब पति वो घर में। जब अमेरिका के लोग शाम को 5:30 बजे खाना खा, सूरज 7:45 बजे अस्त होता है, 5:30 बजे खाना खा लेते हैं, फिर रात को अलग बात है कि वो नाइट क्लब में जाते हैं, घूमते हैं, सुबह का नाश्ता अपना अपना कर लेते हैं, दोपहर का भोजन फ्रिज लगा हुआ है, जिसने मर्जी खाना खाओ, दूध है, फल है, ले लो जो इच्छा है, शाम का भोजन इकट्ठे करते हैं। इकट्ठा करते समय भोजन घर का जब पिता है वो प्रार्थना करता है, ओ गॉड, ओ फादर, यू हैव गिवन सच एंड सच फूड टू अस, वी प्रे फॉर योर ऑलमाइटी सच एंड सच, वो प्रार्थना करने के बाद शुरू होता है।
अच्छा प्रार्थना करते समय यदि किसी को डकार आ गया, उबासी आ गई, क्या कहते हैं, लीव द टेबल। इतने मैनरफुल होते हैं वो लोग, लीव द टेबल। और किसी ने कुछ भी कहना, कोई चर्चा नहीं, वो अपने ऊपर फ्रिज पे लिखा होता है, वो सब अपना अपना बात कर देते हैं। तो फौरन में देखो, मैंने देखा है कि कितने मैनर्स हैं उन लोगों को। आप भी इकट्ठे भोजन करो, इकट्ठा खाना खाओ, इससे बहुत प्रेम बढ़ता है और भोजन सार्थक होता है। एक बात मैं और कहूँगा कि भोजन जो माँ बनाती है, जो बहन बनाती है, जो पत्नी बनाती है, वो किसी नौकर के हाथ से बनाया हुआ भोजन वो इतना सात्विक, मर्यादित, पवित्र, शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों? वैज्ञानिक पहलू है, माँ जब अपने बेटे के लिए भोजन बनाती है तो माँ की जो ऊर्जा है, माँ की जो सारी रेज हैं, हाथों से जब आटा गूंथती है, जो भोजन बनाती है, वो सब उसमें चली जाती है। और माँ की मंगल आशीष बेटे को मिलती है, वो चाहे रूखा सूखा भोजन किया तो बहुत अच्छा लगता है। हम कभी गांव में जाते हैं, गांव में हमें मोटी मोटी रोटी मिलती है और कभी तो अचार मिलता है, कभी साग मिलता है, मोटी मोटी रोटी खा के तृप्त हो जाते हैं, इतने प्यार से बढ़ाते हैं। तुम्हारे पतले पतले फुलके होते हैं इतने। मैं क्रिटिसाइज नहीं करता अपना, पर मैं पतले भी खाते हैं, मोटे भी काम सब खा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी अपनी बात है। तो मोटी रोटी भी अच्छी लगती है जब भूख लगती है। तो माँ जो भोजन बनाती है, एक बहन जो अपने भाई के लिए बनाती है, वो बहन की जो भावना होती है वो किसी और की नहीं होती। एक पत्नी अपनी पति के लिए जो भोजन बनाती है वो मंगल भावना रखती है, और कोई नहीं कर सकती। तो मेरा नम्र निवेदन है, रसोई बहनों अपने हाथ में रखना, रसोई मोक्ष का द्वार है, भोजन स्वयं बनाना। हाँ, मदद ले सकते हो, सारा काम तुम खुद करोगी मैं नहीं कहता, तुमको मदद लेनी पड़ेगी, कोई सहायक रखने पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग दो, पानी कैसे साफ रखना है, सब्जी को कैसे सुधारना है। आजकल इंसेक्टिसाइड हो गया है, इतनी जब तक धोओ नहीं, गर्म पानी से साफ ना करो तो उतना ले नहीं सकते। सब ट्रेनिंग दो और खुद भोजन बनाओ, और भोजन बनाते समय भेद ज्ञान करो, शरीर भोजन बनाता है, मैं दृष्टा हूँ। और भोजन बनाते समय मंगल की कामना करो, आज मेरा बनाया हुआ भोजन कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई मुनि, कोई ब्राह्मण, कोई रोगी, कोई साध्वी आकर के ले जाए तो मेरा बनाया हुआ भोजन धन्य हो जाए। तुम भोजन खाओ, फटाफट मत खा लेना, आपकी थाली में भोजन आ गया तो 5 मिनट रुको, रुकने के बाद प्रतिज्ञा करो, कोई मुनिराज आ जाए मैं उनके हाथों से दे दूँ। भगवान महावीर का पहला भव, नैसार का भव, भगवान उस समय वो राजा ने उनको लकड़ी लाने के लिए बोला था, बहुत राजा ने कोई महल बनाना था, वो बहुत बड़ा वहाँ का वो आर्किटेक्ट था, या उसने बहुत से लोगों को लेके गया जंगल में लकड़ी काटने के लिए प्रासक। तो उसकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं किसी मुनि को आहार ना दे दूं, मैं आहार नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा थी, ऐसी प्रतिज्ञा थी। तो नैसार ने जब 12 बजे का समय हुआ, लकड़ी काट ली, सब सब ने अपना अपना भोजन शुरू कर दिया, तो नैसार भी भोजन करने लगा। तो उसने देखा कि मैंने किसी को दिया तो है नहीं, तो मैं भोजन कैसे करूं? फिर वृक्ष के ऊपर चढ़ के देखता है, कोई दूर से आ रहा है, देखा दूर से कोई मुनि आ रहे हैं, वो रास्ता भूल गए हैं, दूर से गया, उस मुनियों को लाया, रास्ता बताया और कहा, भंते ये भोजन मैंने अपने लिए बनाया है, आप कृपा करो। वो विधि नहीं जानता जैन मुनि कौन होते हैं, एक भावना थी, एक संकल्प था, एक प्रतिज्ञा थी कि मुझे देना है भोजन, तब मैं भोजन करूंगा। देखी, संकल्प किया, मुनि भी आ गए। जब तुम कोई अभिग्रह करते हो तो उसका फल आता है। मुनि आ गए, मुनियों को भोजन दिया, भोजन देने के बाद मुनियों ने कहा कि आपने हमें भोजन दिया है, हम भी आपको संसार सागर से पार करने का रास्ता बताएंगे। मुनि ने धर्म दिया, धर्म उन्होंने नैसार ने अंगर किया। कहते हैं सम्यक दृष्टि का बीज पड़ा, नैसार के भाव में महावीर को 27 जन्म लेने पड़े, इतना लाभ होता है प्रतिज्ञा का, संकल्प का। तो मेरा विनम्र अनुरोध है बहनों से, रसोई अपने हाथों से मत जाने देना, किसी नौकर को मत कहना तो बना ले और तुम आराम से सोती रहो
और बातें चीतें करती रहो। उस समय गोल्डन पीरियड है, पता नहीं कौन तपस्वी मुनि आ जाए। हमारे यहाँ तपस्वी मुनि बैठे हैं, महीने महीने का अहिम्बल कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, पता नहीं तुम्हारे घर में वो मुनि आ जाए, अमृत ऋषि जी आ जाए, कौन आ जाए तुम्हारे घर में। और तुम भाव रखो, ये रसोई मोक्ष का द्वार है बहनों। भाइयों को मौका कम मिलता है, कभी कभी मिलता है, मिल तो जाता है, पर बहने को रुका ज़्यादा मिलता है। तो रसोई अपने हाथ में रखना मेरा अनुरोध है। भोजन कैसे करना, बनाना और भी कुछ बातें हैं, फिर करेंगे, समय हो गया है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। अपने भीतर मंगल की भावना लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा सत्य है, एक सत्य, अटल सत्य, परम सत्य, शाश्वत सत्य, तुम आत्मा हो। इसको जान लो, इसका अनुभव कर लो। चित हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग, नमंग संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में ओ प्राणी करे आराधना।
शिव में एक हूँ साईं।